कि व्यक्ति सिम्बानंद पे केस कब होगा, क्या वो जेल जाएंगे, क्या अभी यही मुसलमान बोल दे तो उसको जेल करवा दोगे, या कोई और वर्ग बोल दे तो वो जेल, हम भी जेल चले जाएंगे। यतीन नरसिम्हानंद का सरकार का दामाद है, तो जेल होकर के आए थे तो फिर जेल भेजो आप, अब की बार उस पे आतंकवादी, क्योंकि उसने पेट में कुछ नहीं रहेगा तो फिर भी तिरंगा उठाने की ताकत तो चाहिए ना। तो 80 करोड़ लोगों को फ्री खिला तो रहा है प्रधानमंत्री जी, बेरोजगारी पे आप लोग बात नहीं करेंगे, हिंदू मुस्लिम पे बात करेंगे, ज्यादा महंगाई बेरोजगारी भ्रष्टाचारी का विरोध करने वाले हम, तभी तो हमें अरमान खान कहा जाता है, तभी तो हमारे ऊपर हमले हुए है ना। इन्होंने तिरंगा फहरा दिया अपने घर पे, भाजपा का कार्यकर्ता ऊपर ही है, उसने कहा भगवा फहराओ, ये नहीं फहराया, लड़ाई हुई और दरवाजे के आगे भीड़ लेके आ गया, FIR करा दी। तिरंगे वाली बात बताया, तिरंगा वो तिरंगा लगाने के बाद में उन्होंने मुझसे चप्पल पे आके झगड़ा किया। अच्छा। चप्पल पे वो भीड़ को लेकर मेरे दरवाजे पे आ जाते हैं, मेरी महिला से अपशब्द बोलते हैं। अच्छा। मेरी बच्चों को धमकी देते हैं, घर वीडियो है, घर खाली कराने की धमकी। तिरंगे के बारे में क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि ऊपर भगवा लगाइए, तिरंगा इस बिल्डिंग में रहना है तो सबके साथ मिलकर रहना, वो खाली करा दूंगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज को आप किस तरह देखिए, घर खाली करवा दूंगा, ये धमकी दी है, हमें डर है, जान का डर है, हमें घर खाली कराने का कंप्लीट करते हैं, सिर्फ तिरंगा लगाइए। तो तिरंगा ही तो लगता है और क्या लगता है, तो पाकिस्तान का झंडा तो लगेगा नहीं, फिर तिरंगा लगेगा। भाई तुम लोग मालूम है, तुम हमें लगता है कि अच्छा नोट उठाते हो, वो तुम हर बार हमारी बातों को काटना शुरू कर चुके हो, तुम संतों को सुनना, तुम भाजपा के अलावा किसी और संत को नहीं सुनते, एलिगेशन लगा रहे। मैं आपसे कह रहा हूँ ना बार बार कि जब मैं अपील, देश के देश में 15 अगस्त को तिरंगा नहीं लहरेगा तो पाकिस्तान का झंडा लहरेगा। तो मेरी बयान सुना यतीन नरसिम्हानंद हो या कोई कट्टरवादी मुसलमान हो, कट्टरवादी मुसलमान का क्या मतलब है, कौन कट्टरवादी क्या है ना करो पहले, चाहे कट्टरवादी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी कट्टरवादी हो, जो कट्टर हो क्या, कट्टर कट्टर का परिभाषा क्या है, कट्टर की परिभाषा वो है जो कि बड़गड़ाए हुए होते हैं, जिनके दिमाग में नफरत इंसानियत और भाईचारा। भारत न्यूज 91 में आपका स्वागत है दर्शकों, इस वक्त मेरे सामने विजय पंडित मौजूद है, आइए एक तरफ देख सकते हैं मौलाना भी मौजूद है, आइए देखते हैं पंडित और मौलाना की जोड़ी यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा और बहुत सारी बातें सुनने को भी मिलेगी। आइए मौजूदा हालात पर जो हो रहा है उन पर बातचीत करते हैं। दो रोज के बाद जो है 15 अगस्त है, तो हर घर में तिरंगा का जो अभियान छिड़ा हुआ है, तो उसके विरोध में आप लोग क्यों हैं? RSS है उसके विरोध में, हम नहीं हैं। RSS के ट्विटर हैंडल देखिए, तिरंगा नहीं लगा। सब में ज़्यादा पेट में दर्द तो आप लोगों का हो रहा, अब जब हम बोलने लग गए तो बड़ा बुरा लगने लगा आपको। हाँ? मुझे क्यों लगेगा बुरा, सुन तो लो ना। हाँ, बोलो। RSS का ट्विटर हैंडल, अब सुनना कान खोल कर, RSS का ट्विटर हैंडल पे तिरंगा नहीं लगा, पहला। RSS के फेसबुक प्रोफाइल पर तिरंगा नहीं लगा। जो 3 लड़कों ने तिरंगा जाके फहराया था वहाँ पे, कौन सा लगा इनका, नागपुर में, उन 3 को गिरफ्तार कर लिया गया था। और नरसिम्हानंद का यह बयान साफ साफ जाहिर करता है कि भाजपा की और RSS की सोच क्या है, कि तिरंगा लगा मत लगाओ, भगवा लगाओ, तिरंगा सर्वनाश का साइन है, सर्वनाश कर देगा तिरंगा। RSS क्या भारत हुकूमत है ये बताइए, लेकिन जो हुकूमत से प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बने, नहीं, नहीं, आप RSS, बात हुकूमत की हो रही है यहाँ पर, बात बीजेपी सरकार की हो रही है, आप RSS को गुजरा दे रहे हैं। बात ये है कि जो हुकूमत में बैठे हैं वो RSS सियासतदान में से ही आए हैं, RSS के संग प्रचारक रहे हैं और RSS के माध्यम से गवर्नमेंट चलाई जाती है, जो कि 2024 में योगी को प्रमोट कर चुके हैं। RSS ही भाजपा का प्रधानमंत्री, आपका कहने का मतलब कि ये देश RSS चला रहा है इस वक्त, तो वही चला रहा है। अगर वो ना चला रहा होता तो तिरंगे का विरोध वो ना करता, तिरंगा ट्विटर हैंडल पे लग चुका होता। तो विरोध तो आप लोग भी कर रहे हैं ना। मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे तिरंगे की फोटो लगा ली, घर पे तिरंगा लगा लिया, लेकिन ना, लेकिन फिर आप लोग क्यों कह रहे हैं ये अभियान जो छिड़ा हुआ है ये सब ढकोचला है, ये सब क्यों कह रहे हैं आप लोग? आप लोग पेट में दर्द क्यों हो रहा, जब एक हर घर में तिरंगा है, सब में ऊंचा रहे झंडा हमारा, तो ये बिल्कुल तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, गौरव है देश का, आप लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, तंज नहीं करना चाहिए। तनकीद कब तक करते रहेंगे आप लोग, बोलिए कौन सा इंटरव्यू देखे हो, अब किस आदमी लेके आया है ना, बहुत पेट में दर्द हो रहा है, जो अभियान हर घर में तिरंगा। फिर देखिए, अभी आप वही क्वेश्चन को 7 बार पूछोगे तो क्वेश्चन सही नहीं हो जाएगा। फिर मैं आपसे पूछता हूँ, कब आपने एक भी इंटरव्यू हमारा तिरंगे के खिलाफ देखे हैं? भाजपा के खिलाफ नहीं बोला आपने, कहा ये जो तो भाजपा देश है क्या? भाजपा देश है, भाजपा हुकूमत है, भाजपा रुको, देश के प्रधानमंत्री कौन है? भाजपा से है ना, बीजेपी से। आप रुको तो पहले, आप पहले होता भाजपा देश है,
भाजपा देश नहीं लेकिन देश के प्रधानमंत्री तो है भाजपा के। आप 85 बताओगे क्या हमको? मैं जब पूछो भाजपा देश है नहीं है ना, ना हम नरेंद्र मोदी देश के बाप है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री प्रधान है सब में ऊंचे हैं। अरे सुना करो यार पहले यार, बड़े हैं देश का सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति होता है, देश का नहीं, देश का प्रधानमंत्री की कोई गौरव नहीं है। अरे आप पहले अच्छा ये बताओ तू हमसे सुनने कोई गौरव नहीं है मतलब प्रधानमंत्री का आप अपमान कर रहे हैं अब यहाँ पर। एक चीज बताइए, जब आप बोलने नहीं देना चाहते हो तो ये माइक लगा के आए क्यों? बोलने हम नहीं बोलेंगे, बोलिए पूरी आजादी, पूरी आजादी। मैंने आप नहीं बोलने दे रहे हैं, आप नहीं बोलने दे रहे हो, आप संतों के बाद दबा रहे हो, आप प्रधानमंत्री सरकार की चटुकारिता करने आए हो, आप सरकार के पक्ष में इल्जाम लगा रहे हैं आप, तो फिर आप क्यों नहीं बोलने दे रहे? बोलिए, आपने 7 बार काटा हमको, बोलिए, ये लाइव दिख रहा है कि आप एक संतों को बोलने नहीं दे रहे भाजपा, भाजपा के मीडिया कर्मी कहीं ना कहीं या भाजपा कर्मी। बोलिए आप, बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी से पूछिए जाके, आप नरेंद्र मोदी से पूछिए कि 20-20 रुपए में तिरंगा भाजपाइयों ने टेबल लगा के बेचा है, सत्ताधारी पार्टी के रहते हुए किसी ने आज तक ये काम नहीं किया। जब मैं पूछता हूँ कि आरएसएस ने वो झंडा क्यों, जब आपके पास जवाब नहीं होता है, आरएसएस के टोटल हैंडल में झंडा नहीं लगाया गया, आरएसएस आज वो आरएसएस भारत हुकूमत है, वही फिर मैं वो सवाल भारत हुकूमत पे आ रहा हूँ, तो आप सुनना नहीं चाह रहे हो, बोलिए। जब आरएसएस के से ही प्रधानमंत्री शाखा में थे, उसी शाखा से आपके सुना, देखिए सुना करिए भाई, बोलिए मैं कहाँ टोक रहा हूँ। जब शाखा में आप आए हैं, आरएसएस आपकी संस्था है, आरएसएस ही बार बार अभी प्रमोट कौन करेगा? जब प्रधानमंत्री की दौड़ होती है ना तो आरएसएस का प्रमुख रोल होता है, और देश का प्रधानमंत्री वही बनेगा जो आरएसएस की मानसिकता का होगा। आरएसएस की मानसिकता प्रधानमंत्री ने विरोध किया, इसलिए आरएसएस ने उनका विरोध करके तिरंगा नहीं लगाया। अब दूसरा सवाल, आरएसएस भाजपा समर्थक, आरएसएस समर्थक यति नरसिंहानंद का बयान, अब आपके पोल जब खोलेंगे तब सुनिएगा, यति नरसिंह मेरे पोल क्यों खोलेंगे? नरसिंहानंद ने साफ बयान दिया कि भगवा फहराओ तिरंगा ना फहराओ, प्रधानमंत्री ने कहा तिरंगा फहराओ, हम सबने मेरे पोल खोलेंगे। आप मैंने कौन सी बकरी चुरा ली आपकी? मेरी बकरी तो पूरे देश की चला के रखे है सब लोग है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यति नरसिंहानंद पे केस कब होगा, क्या वो जेल जाएंगे? क्या अभी यही मुसलमान बोल दे तो उसको जेल करवा दोगे, या कोई और वर्ग बोल दे तो वो जेल, हम भी जेल चले जाएंगे? तो यति नरसिंहानंद का सरकार का दामाद है, तो जेल होकर के आए थे तो फिर जेल भेजो आप। अब की बार उस पर आतंकवादी, क्योंकि उसने देखे कैमरे में देखे, देश का देश में मैं देश सबसे पहले होता है, तिरंगा सबसे पहले है, देश के खिलाफ तिरंगे खिलाफ कोई जाएगा वो आतंकवादी होता है। यहाँ तक कि पाखंडी बोल दिया आप लोगों को, जितने भी हिंदू है देश के सब पाखंडी है, वो आतंकवादी कहलाता है। अरे हिंदू हिंदू मत लाओ यार देश की बात। अरे वो कह रहे नरसिंहानंद ने ये अपना स्टेटमेंट में ये बात कही है, जितने देश के हिंदू है सारे के सारे पाखंडी है। पहले आप देश के बे बात करते, हिंदू मुस्लिम हम बाद में कर लेंगे। जब देश की बात, हिंदू मुस्लिम तो आप लोग करते हैं, मेरे पे इल्जाम डालेंगे? ये दोनों साथ दिख रहे नहीं, समझ में आ रहा है कि आपको कि आपको हम समझाना हर मुद्दे पे बिल्कुल मिर्च मसाला लगा करके मुद्दे पे तनकीद लेकर के आगे के यति नरसिंहानंद ने जो बयान दिया वो क्या बयान दिया आपने सुना उसे? उन्होंने ये कहा कि तिरंगा हिंदुत्व के लिए खतरा है और भगवा लगाए, हिंदू भगवा लगाए अपने घर पर, तो सबसे बड़ी बात तो उन्होंने देश के तिरंगे का अपमान किया। अगर हम संत हैं और हम आपसे इज्जत से कह रहे हैं कि मेरी बात सुनो, तो आप सुनना नहीं चाह रहे हो, पूरी बात तो सुन रहे हैं, ऐसे ऐसे बेशर्मों का नाम लेके आग लगा रहे हो तन पे, जिन्होंने कहा रेप कर दो मुनि महाराज को, तुम संत मानते हो, पहले मेरी बात सुनो आप, कि आप संत नहीं हो, संत हम लोग हैं, हम रखेंगे अपनी बात। जब मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि देश में आतंकवाद घटना करने वाले नरसिंह नरसिंहानंद जो देश के तिरंगे के खिलाफ बोले हैं उन पर क्या मुकदमा होगा, अब अगर, और मैं फिर कहता हूँ सभी हिंदू भाइयों से कहता हूँ, चंद्रशेखर आज़ाद भी हिंदू थे, बहुत से हिंदुओं का बलिदान है इस तिरंगे में, तो सबसे ऊपर अगर मेरे छत पे कुछ रहेगा तिरंगा रहेगा, उसके नीचे भगवा रहेगा अगर मैं चाहूँगा तो। लेकिन 15 अगस्त को मैं सभी देशवासियों से ऐलान करता हूँ कि कोई और ध्वज ना लगा के सिर्फ तिरंगा लगाया जाए। पेट में कुछ नहीं रहेगा तो फिर भी तिरंगा उठाने की ताकत तो चाहिए ना, तो 80 करोड़ लोगों को फ्री खिला तो रहा है प्रधानमंत्री जी, बेरोजगारी पे आप लोग बात नहीं करेंगे, हिंदू मुस्लिम पे बात करेंगे, बेरोजगारी पे बेरोजगारी मुद्दा मनाएंगे नहीं। इंटरव्यू ले रहे हो क्या लाइव आके? नहीं, पहला इंटरव्यू लिए हो क्या? ये सवाल पूछ रहा हूँ, तो बेरोजगारी को लेकर दूसरा क्या होता है पहले? नहीं तो भाई तुमसे पूछ रहे हैं कि अगर न बोले, अगर देखे होते ना तो सबसे ज्यादा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी का विरोध करने वाले हम, तभी तो हमें अरमान खान कहा जाता है, तभी तो हमारे ऊपर हमले हुए है ना, तभी तो हमें धमकी दी जाती है। आज 4 दिन पहले जब मैंने बकरीद पे बयान दिया था उसके लिए मुझे फोन आके धमकियां दी जा रही है। यहाँ पे संत भी सुरक्षित नहीं है, क्या मिल रही है? बड़ा लगातार मिल रही है, और मैंने इस चीज को ऐलान भी किया, नंबर भी सेव दिया। अच्छा, और कोई बात? कंप्लेंट नहीं किया आपने? कंप्लेंट किया है।
दोनों को संज्ञान लिया गया। संज्ञान क्या लिया जाएगा इस सरकार में, कैसी बात करे, इंसाफ नहीं है सरकार में। अभी इन्होंने तिरंगा फहरा दिया अपने घर पे, भाजपा का कार्यकर्ता ऊपर ही है, उसने कहा भगवा फहराओ, इन्होंने नहीं फहराया, लड़ाई हुई और दरवाजे के आगे भीड़ लेके आ गया, क्या FIR करा दी। पूरी बात बताएं आप, क्या मामला क्या था? मामला यही था कि जैसे कि हमारे फोर्थ फ्लोर पे वो रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो, और BJP से बहुत अच्छे उनके संबंध हैं, तो हमारे वो जैसे कि त्यागी साहब का हुआ नोएडा के अंदर कि पेड़ पौधे पे घटना होती है और फिर गाली गलौज पे आ जाती है, पेड़ पौधे पे घटना होती है और गाली गलौज पे आ जाती है। तो एक फ्लोर में दूसरे फ्लोर पे, मतलब कि दूसरे फ्लोर पे मैं हूँ और चौथे फ्लोर पे वो हैं, तो थर्ड फ्लोर बीच में आता है। अच्छा, तो उनको तो इसका कोई इंटरफेयर होना नहीं चाहिए कि मेरे दरवाजे पे मेरी चप्पल, वो मतलब कि टारगेट करना है, जैसे कि हम जनता से मिल रहे हैं अल्पसंख्यक। तिरंगे वाली बात बताएं, तिरंगा लगाने के बाद में उन्होंने मुझसे चप्पल पे आके झगड़ा किया। अच्छा, चप्पल पे वो भीड़ को लेकर मेरे दरवाजे पे आ जाते हैं, मेरी महिला से अपशब्द बोलते हैं, मेरी बच्चों को धमकी देते हैं, वीडियो है घर खाली कराने की धमकी। तिरंगे के बारे में क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि ऊपर भगवा लगाइए, तिरंगा हटाइए, बिल्डिंग में रहना है तो सबके साथ मिलकर रहना होगा, नहीं खाली करा दूंगा। अच्छा, तिरंगा हटाइए, भगवा लगाइए, ऊंचा भगवा लगाइए, तिरंगा मना नहीं का। हाँ, तिरंगा, अच्छा भगवा ऊंचा लगाइए, हाँ, तिरंगा थोड़ा नीचे लगाइए। हाँ, ये बात कही ये है, ये बात कही है। कहाँ पर, कौन सा एरिया है? शास्त्री पार्क एरिया है, शास्त्री पार्क एरिया जी, बताएं। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस चीज को आप किस तरह देख रहे हैं? घर खाली करवा दूंगा, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, हमें डर है, जान का डर है, हमें घर खाली कराने का डर है। आपने कंप्लेंट किया? कंप्लेंट FIR मेरे पास कॉपी है एप्लीकेशन की, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। नहीं नहीं, होगी होगी। एक चीज मैं और बता दूं, जिस देश में हिंदुस्तान के दिन, जिस दिन 15 अगस्त रहेगा, हम सभी देशवासियों से अनुरोध करते हैं सिर्फ तिरंगा लगाइए। तो तिरंगा ही तो लगता है, और क्या लगता है? पाकिस्तान का झंडा तो लगेगा नहीं, फिर तिरंगा लगेगा। भाई तुम लोग मालूम है, तुम हमें लगता है कि अच्छा नोट उगाते हो, वो तुम हर बार हमारी बातों को काटना शुरू कर चुके हो। तुम संतों को सुनना, तुम भाजपा के अलावा किसी और संत को नहीं सुनते। आप एलिगेशन लगा रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ ना बार बार कि जब मैं अपील, देश में 15 अगस्त को तिरंगा नहीं लहरेगा तो पाकिस्तान का झंडा रहेगा। तो मेरी बयान सुना यति नरसिम्हानंद हो या कोई कट्टरवादी मुसलमान हो, कट्टरवादी मुसलमान का क्या मतलब है? कौन कट्टरवादी क्या है? ना करो पहले, चाहे कट्टरवादी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी कट्टरवादी हो, जो कट्टर हो। क्या कट्टर? कट्टर का परिभाषा क्या है? कट्टर की परिभाषा वो है जो कि बड़गड़ाए हुए होते हैं, जिसके दिमाग में नफरत, इंसानियत और भाईचारे को नहीं मानते। ऐसे हम दोनों कट्टर नहीं है, हम इनके लिए हैं, हम दूध के दूल्हे हैं, ये हम इनके लिए हैं तो अब ये हमारे लिए है। हम ऐसे नहीं है कि उड़े तो उद्योग मंत्री और नीचे होते तो कुछ नहीं। क्या कहना चाहेंगे देश के से, क्या कहना चाहेंगे 15 अगस्त के? 15 अगस्त के दिन ये जोड़ी चलेगी और तिरंगा लेके चलेगी, ना हरा फहरेगा ना भगवा फहरेगा, ओनली तिरंगा फहरेगा, ओनली तिरंगा फहरेगा, क्योंकि तिरंगा